दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग कंपार्टमेंटल हिंदी 100 मार्क वाले का ऑब्जेक्टिव आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि अपने क्वेश्चन के अनुसार अपने ऑब्जेक्टिव को मिलान करते चलिए। सभी का जो है क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग का चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपको 10 सेट में बांटे गए हैं तो इसलिए नंबरिंग चेंज हो सकता है। तो आपको मिलाना किस प्रकार से, जैसे हम बोले कि पर्वतमाला कौन सा समास है, तो आपको खोजना है कि पर्वतमाला आपके क्वेश्चन कितने नंबर में है, उस अनुसार आप टिक कीजिए। तो चलिए, पर्वतमाला कौन सा समास है, तो इनका जो है जवाब आप लोग कॉमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर दो, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पर किस कवि के द्वारा कठोर प्रहार किया गया है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में चलने वाले के लिए एक शब्द है, तो देखिए आकाश में जो चलते हैं उनको हम नभचर कहते हैं, नभ में आकाश होता है न कि आकाशचर। आप देखिए आकाशचर है यहाँ पर, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा आपको ये नभचर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, माता का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए माता का पर्यायवाची शब्द इसमें जननी होगा, चार का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर पाँच, आजीवन कौन सा समास है, तो देखिए आजीवन जो है आपको अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, कवित के रचयिता कौन है, तो देखिए कवित का जो रचयिता है वो है आपको कुंभन दास। क्वेश्चन नंबर सात, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा असहाय हो जाना। क्वेश्चन नंबर आठ, खून सूख जाना है मुहावरे का अर्थ है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा भयभीत होना। क्वेश्चन नंबर नौ, हितोपदेश का संधि विच्छेद होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा हित जोर उपदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, सदैव का संधि विच्छेद है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा सदा जोर ए, देखते जाना है आप लोगों को सही से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में आपको कर्मधारय समास होता है, तो 12 का सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पश्चिम से संबंध रखने वाले को कहा जाता है, तो पश्चिम से संबंध रखने वाले को पाश्चात्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पूरब का विलोम है, तो पूरब का विलोम पश्चिम होगा, 14 का सही ऑप्शन आपको बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद उपन्यासकार थे, तो इनका सही ऑप्शन 15 का सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका कोई अर्थ न हो उसे एक शब्द में कहा जाता है, देखिए जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए पराजय में परा उपसर्ग है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो के लिए एक शब्द है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 19, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा दुर्ग छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम शब्द का विलोम है, तो देखिए उत्तम शब्द का विलोम होता है अधम। क्वेश्चन नंबर 21, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन 22, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 23, अल्पायु का विप्रार्थक है, तो इनका सही ऑप्शन होगा आपको ए आंसर होगा दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 24, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा व्यथित। क्वेश्चन नंबर 25, सहपाठी में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए सहपाठी में स उपसर्ग है, तो 25 का सही ऑप्शन आपको ए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रमाद में कौन सा समास है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा आई। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, तो 28 का सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा गोपाल। क्वेश्चन नंबर 29, जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा दर्शनीय। क्वेश्चन नंबर 30, अर्धनारीश्वर के रचनाकार है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन 31, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 31 का सही ऑप्शन आपको ये। क्वेश्चन नंबर 32, रघुवीर सह
कौन की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनका सही ऑप्शन आपको ए आंसर होगा, लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, परोपकार का संधि विच्छेद है, तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको होगा, तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, परजोर उपकार। क्वेश्चन नंबर 34, उल्लास का संधि विच्छेद है, उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत्जोर लास। 34 का सही ऑप्शन आपको ए, उत्जोर लास। क्वेश्चन नंबर 35, शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, कवियों के कवि। क्वेश्चन नंबर 36, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 37, मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 38, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? 38 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा असंभव को संभव करना। क्वेश्चन नंबर 39, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 40, परगित और समाज के लेखक हैं? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 41, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा डिंग हंकना। क्वेश्चन नंबर 42, सुरसागर के कवि हैं? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 43, उषा के कवि कौन है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णा अर्जुन कौन सा समास है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा द्वंद। क्वेश्चन नंबर 45, राजकन्या कौन सा समास है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 46, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है किस पाठ की पंक्ति है? हालांकि टेक्स्ट बुक नहीं है इसलिए इनका उत्तर दे पाना मुश्किल था, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग खोज लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, माना पमान कौन सा समास है? तो इनका भी जवाब लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, हंसते हुए मेरा अकेलापन की लेखन विधा क्या है? इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा डायरी। क्वेश्चन नंबर 49, भिन्नता में कौन सा प्रत्यय है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ता। क्वेश्चन नंबर 50, तपोवन का संधि विच्छेद होता है, तो तपोवन का संधि विच्छेद तपोजोर वन होता है, तो 50 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। तो देखिए यहाँ पर तीन क्वेश्चन, 50 में से तीन क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया है, इनका जो है आप लोग कॉमेंट करके जवाब दीजिए, और जैसे ही जवाब इनका जो है सही ऑप्शन इनका सही आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, और आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेस्ट बजे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानने हेतु नामांकन से संबंधित, बिहार बोर्ड से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित सभी न्यूज़ को पाने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। इसमें काफ़ी प्रयास किया गया है कि कोई त्रुटि ना रहे, फिर भी कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।